गाइस किंग यूजर की एज अभी 3 साल है और देख सकते हो कितना ज्यादा छोटा है। और ये रेड वाला इसका डैड है, एंड ग्रीन वाला इसकी मॉम है, और ये आइस वाला इसकी भाई है। लेकिन ये किंग यूजर की खुद की भाई नहीं है, मतलब इस आइस वाला की मॉम एंड डैड बहुत ही ज्यादा इविल था। सो सारे किंग यूजर मिलकर इसके मॉम डैड को मार दिया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा छोटा था तो बाकी लोगों ने इसको छोड़ दिया है और अभी अपने साथ ही रहता है। अपना प्लेनेट के टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया, जो भी खाने की चीज था सब कुछ तबाह हो गया और बाकी सारे किंग यूजर इस प्लेनेट को छोड़ के चला गया। हम लोग की लाश बच रहे। सो अपन लोग भी निकलेंगे कुछ ही देर बाद इस प्लेनेट से। अपन लोगों को नए प्लेनेट की तलाश करना होगा जहाँ पर अपन को खाना मिले और जहाँ पर अपन रह सकते हैं। खैर अपन लोग किंग यूजर की प्लेनेट को थोड़ा देख लेते हैं। तो एक रो इसकी प्लेनेट की चारों तरफ सब कुछ तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं है। बैठे तैयार हो जा, हम लोगों को निकलना है। ओके टाइम हो गया निकलने के लिए, चलो देखते हैं अपन कौन सी प्लेनेट पर जाते हैं। 3 साल की एज में किंग यूजर को उसकी प्लेनेट छोड़ना पड़ा और अपन अभी आ चुके एक और नए प्लेनेट पर उसकी मॉम एंड डैड के साथ। और अपने साथ जो अपना भाई था वो मीटर की वजह से गिर गया कहीं पर, पता नहीं वो कहाँ पर गिर गया। लेकिन चलो हम लोग तो अभी जा रहे हैं। ये कैसा चीज़ है भाई सब, इस प्लेनेट पर क्या क्या चीज़ चल रहा है? ऊपर से मीटर गिर रहा है और साथ में क्या क्या चीज़ें जा रहा है? और अपन को भी इस प्लेनेट पर कोई जगह ढूंढना होगा जहाँ पर अपन लोग रह सकते हैं। चलो देखते हैं अपन लोग कहाँ पर रह सकते हैं। फाइनली अपन लोगों को एक जगह मिल गया जहाँ पर अपन रह सकते हैं। अभी किंग यूजर की मॉम उधर क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन इसके डैड इधर आ गया। ये वाला आइलैंड तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इधर अपन बहुत ही आराम से रह जाएंगे। इसकी मॉम एंड डैड अभी मछली पकड़ रहा है खाने के लिए। सो तब तक अपन इस आइलैंड को घूम गए थे, देखते अपना नया घर कैसा है। देख लो गाइस अपना किंग यूजर अभी छोटा है लेकिन इसकी पावर अभी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इतनी तेज़ी से भाग सकता है। अगर अपना भाई अपने साथ होता तो अच्छा होता, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर गिर गया है। खैर चलो अपन ही इस आइलैंड को देख लेते हैं। सो ये वाला आइलैंड तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अपना रहने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। इसकी मॉम एंड डैड उधर मछली पकड़ रहा है, चलो अपन भी एक दो मछली पकड़ लेते हैं। क्या अपन पकड़ पाएंगे, चलो देखते हैं। पानी के नीचे से गोल गोल क्या चीज़ है पता नहीं, रुको अपन को शायद कुछ तो दिखाए। ये क्या चीज़ है, चलो इसको पकड़ते हैं। ओके तो एक मछली है, अपन ने भी एक मछली पकड़ लिया है। चलो चलो अपन आ गए। ओके इधर तो बहुत सारे मछली है, इसके मॉम एंड डैड ने तो बहुत सारे मछली पकड़ा है, चलो इनको खा लेते हैं। पता नहीं अपने धरती पर एलियन कहाँ से आ गया। मेरा फैमिली एंड गॉडजिला की फैमिली, अपन दोनों जायंट की फैमिली रहता था, लेकिन पता नहीं कहाँ से जायंट वाला एलियन फैमिली आ गया। इनको अपन को मानना होगा नहीं तो ये लोग सब कुछ तबाह कर देंगे। ओए एलियन तू अपने अर्थ पे आ गया है रोल करने के लिए, तुझे हम लोग तबाह कर देंगे। अरे बेटे किंग यूजर तू भाग जा, ये लोग अपन को मार देगा। पता नहीं अर्थ पे एलियन कहाँ से आ गया, लेकिन कोई बात नहीं कॉन्ग तू उसको मार और मैं इसको मार देता हूँ। अगर ये लोग जिंदा रहेंगे तो अपने फैमिली को खतरा हो सकता है। आ जा तू एलियन कहेगा, मर जा एले। गाइस किंग यूजर की एज अभी 5 साल है और 5 साल की उम्र में इसकी मॉम के ऊपर गॉडजिला की डैड ने अटैक किया और इसकी डैड के ऊपर कॉन्ग की डैड ने अटैक किया है। इसकी मॉम एंड डैड को शायद ये लोग मार डालेगा तो अपन को भी भागना पड़ेगा, लेकिन अपन इस चीज़ को याद जरूर रखेंगे, बदला अपन जरूर लेंगे इनसे। फिलहाल के लिए अपन भागते हैं क्योंकि अपन अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते। तूने तेरे बेटे को तो भगा दिया लेकिन तू कैसे बचेगा, आ जा एले। एलियन कहेगा अपने अर्थ पे आ गया सब कुछ तबाह करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। ओए गॉडजिला के डैड चल मेरे साथ, अपना काम तो हो गया, अपन लोग चलते इधर से, अभी अपने फैमिली को कोई खतरा नहीं है। ओके अपन बहुत ऐसे इधर छुप के रहे थे, अभी चलो चल के देखते हैं क्या हुआ है। किंग यूजर की मॉम एंड डैड इधर से दिखाई दे रहा है और शायद ये लोग मर गया है। भाई सब क्या ही खतरनाक चीज़ हो गया, किंग यूजर की 5 साल की एज में इसकी मॉम एंड डैड को कॉन्ग की डैड एंड गॉडजिला की डैड मार दिया है। सो शायद इसके बाद किंग यूजर जाकर उनसे बदला लेगा, पता नहीं आगे चलकर अपन लोग देखेंगे क्या होता है। किंग यूजर की एज अभी 20 ईयर्स है और 20 ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, देख सकते हो इसका साइज कितना बड़ा हो गया। लेकिन किंग यूजर अभी तक उसकी मॉमलेट को किलर को ढूंढ नहीं पाया है, सो इसलिए किंग यूजर सिटी के अंदर आता रहता है उनको ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक अपन को वो लोग नहीं मिले। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो अपन उनको छोड़ेंगे नहीं। मैंने बहुत दिन तक आइस में सर्वाइव किया है और मैं इतना बड़ा बन चुका हूँ, लेकिन अभी टाइम हो गया बदला लेने का। किंग यूजर की फैमिली ने मेरे को बचा तो लिया, लेकिन उन लोगों ने भी मेरे मॉम डैड को मारा था। मैं इसकी बदला जरूर लूंगा, मैं किंग यूजर की तरह बन जाऊंगा, फिर चारों तरफ तबाही करूंगा और लोग किंग यूजर को ब्लेम करेंगे। रुको अभी मैं किंग यूजर की तरह बन जाता हूँ। ओके फाइनली मैं किंग यूजर की तरह दिख रहा हूँ, अभी चलो मैं तबाही शुरू करता हूँ। एले जो लोग पकड़ेंगे किंग यूजर को पकड़ेंगे, मेरा मॉम डैड भी विलेन थे, मैं भी विलेन बनूंगा, सबको तबाह करूंगा और इस प्लेनेट पर भी मैं राज करूंगा। चलो अभी चलते हैं जहाँ पर किंग यूजर है। ओके मैं आ गया सिटी के अंदर, अभी सब कुछ मैं तबाह करूंगा। लेकिन एक क्या मेरे अंदर एक फीलिंग आ रहा है, इधर शायद और भी कुछ जायंट्स है,
चलो पहले उनको ही मार देते हैं। सो गाइस, अपन जिस किंग इधर को इविल समझ रहे थे वो असल में इविल नहीं है, मतलब उसकी जो भाई था जो किंग इधर के साथ पहले आया था बट खो गया था वही इविल बन गया है। और इसने किंग इधर की तरह बन के गॉडजिला के मॉमलेट को मारा था और कॉन्ग की मॉमलेट को भी मार दिया था। और कैसे इसने सबको मारा था वो चीज जानने के लिए आपको गॉडजिला की लाइफ एंड कॉन्ग की लाइफ दोनों को देखना होगा। दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। और अभी के लिए इसके नेक्स्ट प्लान क्या है देखते हैं। गाइस, किंग इधर की इसके मॉमलेट की किला तो नहीं मिला लेकिन इसको एक और जायंट की सेंस आ रहा है। चलो देखते हैं, वो वाला जायंट इधर ही है। ओके, ये रहा ये वाला जायंट, ये तो बहुत ही अजीब तरह का है, पता नहीं कैसा जायंट है यार। एक तो इसके मॉमलेट की किला अभी तक नहीं मिला लेकिन इधर एक और जायंट आ गया। भाई साहब, इस प्लैनेट में तो बहुत सारे जायंट है, चलो इसको मारते हैं। ए ले, ये कैसा जायंट है पता नहीं लेकिन अपन को जो मारेगा अपन भी इसको मारेंगे। ए ले, ए अजीब सा जायंट, पता नहीं इसके पास हार्ट भी नहीं है, ये शायद मशीन से बना हुआ है, पता नहीं कैसा कैसा चीज़ है यार। चलो इसको मार देते हैं। ए ले, क्या मर गया? ओके, एक कैसा जायंट था यार, इतनी जल्दी मर गया। छोटे छोटे इंसान भी कितना ज़्यादा खतरनाक है, इल्लीगोर इतना बड़ा जायंट को बना लिया था बट अपन ने उनकी जायंट को मार दिया है। चलो अभी चलते हैं। गाइस, किंग इधर की एज अभी 35 इयर्स है और अभी तक इसको इसकी मॉमलेट की किलर नहीं मिला। अभी तक किंग इधर उसकी मॉमलेट की किलर को ढूंढ रहा है। और अभी अपन को पता चला सिटी के अंदर एक और मॉन्स्टर आ गया, चलो देखते हैं कौन सी मॉन्स्टर है। अगर वो सेम वाला मॉन्स्टर हुआ जिसने किंग इधर की मॉमलेट को मारा है अपन उनको छोड़ेंगे नहीं। चलो देखते हैं मॉन्स्टर है किधर। ओके, अपन को ये वाला मॉन्स्टर तो मिल गया लेकिन ये तो कुछ अजीब तरह का दिखता है, इसलिए तो नहीं मारा था। और ये मेरे को मारने के लिए क्यों आ रहा है यार, मैंने इसका क्या बिगड़ा है? ओए किंग इधर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरी मॉमलेट को मार दिया है और मेरी डैड को काउंटर करके तूने कॉन्ग की मॉमलेट को भी मारा है। भाई साहब क्या बोल रहा है, मैंने किसको मारा है, ये कॉन्ग कौन है यार? और मैंने तो किसी को अभी तक नहीं मारा, मैंने बस एक रोबोट वाले मॉन्स्टर को मारा था। तुझे छोड़ूंगा नहीं किंग इधर, मैं हूँ गॉडजिला, तुझे मैं तबाह करके दम लूंगा। ओके, इसके नाम है गॉडजिला लेकिन ये मेरे को मारना चाह रहा है? अरे मैंने किसी को नहीं मारा यार, तू बेवजह मेरे को मार रहा है। किंग इधर तो झूठ बोल रहा है, मैंने खुद देखा है, तूने मेरे डैड को कंट्रोल किया था और मेरी डैड जाके सबको मार दिया है। भाई साहब, तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, तो मेरे को बहुत ही ज्यादा मार रहा है। गाइस, इसको रोकने के लिए आपकी लाइक की जरूरत है, तो जल्दी से लाइक करो और अपन इसको रोकते हैं। मैं तो इसको मारना नहीं चाहता लेकिन ये मेरे पीछे पड़ रहा है, इसको हरा कर अपना बात मानना होगा नहीं तो चुप नहीं हो रहा, तब से मार रहा है मेरे को। मेरी बात मान ले तू, मैं तेरे को मारना नहीं चाहता, मैं तुझे मार के दम लूंगा कुछ भी हो जाए। इसको अपन को हरा नहीं होगा, ये तो मान ही नहीं रहा। भाई बहुत हो गया इसका, अपने साथ तू टिक नहीं पाएगा। एले, ओके तो रुक जा, मैं मार गया, तू नहीं मारा है, उसका वॉइस भी थोड़ा अलग था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सो गाइस, गॉडजिला मान गया है, अपन उसके डैड को नहीं मारा है। ये पुलिस वाले इतना छोटे हैं लेकिन फिर भी अपने पीछे पीछे आ रहा है। खैर कोई भी नहीं, चलो अपन फिर से चलते हैं। लेकिन अपन को इसकी छानबीन करना होगा, कौन अपनी तरह बन के सबको मार रहा है और अपने नाम जा रहा है यार। गाइस, किंग इथोरी की एज अभी 90 ईयर्स है और अभी अपन को फाइनली पता चला कौन अपनी तरह बन के सबको मार रहा था। वो तो अपना भाई है जो अपने साथ पहले आया था, वो अभी बहुत ही ज़्यादा ही बन गया और मेरे को पता चला वो इस तरह आके सब कुछ तबाह कर रहा है। चलो देखते हैं किधर हो, उससे अपन बदला लेंगे। अपना फैमिली ने उसको अपने साथ लाया लेकिन खुद ही बिल बन गया और मेरे नाम पे चारों तरफ बदनाम कर रहा है। चलो देखते हो है किधर। ओके, तू मेरे को ही ढूंढ लिया है, चलो इसको मारते हैं। मेरे नाम पे तू बदनाम कर रहा है। ए ले, अरे हाँ, मैं ही तेरे नाम पे बदनाम कर रहा था क्योंकि तेरी मॉम डैड ने भी मेरे मॉम डैड को मारा था, तो मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ये अपन से बदला लेने के लिए सब कुछ किया था, क्या ही खतरनाक है, लेकिन इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है यार। ये अपन को क्या ही मार रहा है, अपन को भी भागना होगा, अपनी पावर अभी इतना ज्यादा नहीं है कि अपन इसको हरा सके। चलो भागते इधर से। गाइस, अपन भाग भाग के इतना दूर आ गए, अभी मेरे को भूख भी लग गया लेकिन मैंने पानी के अंदर एक चीज को देखा था जो कि लावा से बना हुआ था, अगर मैं इसको खा लूंगा तो मेरी पावर भी शायद ज्यादा बढ़ जाएगा। चलो देखते हो वाला चीज़ है किधर। जब तक मैं उस चीज़ को ढूंढता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, अपन और भी ऐसी खतरनाक वाली जीटीएफ की वीडियो लाएंगे। एंड आप लोग कॉमेंट में जरूर लिखो आप लोग और किसकी लाइफ को देखना चाहोगे। ओके गाइस, ये वाला चीज़ मेरे को मिल गया है, देख रहे हो बिल्कुल लावा से बना हुआ है। भाई साहब, अगर मैं इसको खा लूंगा तो मेरी पावर सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे भाई क्या ही मार रहा है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलो इसको पकड़ते, चलो अपन इसको पकड़ लिया है, इसकी साइज को कितना बड़ा है और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलो इसको फटाफट खा लेते हैं अभी। ऑल राइट, उसको खाने पर अपन खुद लावा के बन गए, देख रहे हो अपने लुक कैसे खतरनाक बन गया। अभी अपना पावर इतना ज्यादा हो गया, अपन अभी उस आइस वाली किंग इधर को मार सकते हैं जो कि पहले अपना भाई था, लेकिन अभी अपन उसको भाई नहीं बोलेंगे, अभी अपन उसको मार के दम लेंगे। ए ले, इससे बच के दिखा, क्या है मर गया? अरे भाई अभी तक जिंदा है तू, कितना मार खाएगा? और वैसे यही अपन को ज्यादातर मार रहा है। ए ले,
अब तो मर जाओ। देख रहे हो गाइस, जब भी अपन इसको मार रहे हैं बहुत जोर की मार रहे हैं, लेकिन इसको कुछ नहीं हो रहा फिर भी। अब तो मर जा। अपन इसको बहुत दूर दूर फेंक रहे हैं, फिर भी उठ के खड़ा हो रहा है। ओके फाइनली मर गया है, अपने साथ पंगा लिया था। खैर गाइस, आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। अपन और भी ऑसम GTA 5 के वीडियोस लाएंगे, एंड आप लोग कमेंट में जरूर लिखो आप लोग और किसकी किसकी लाइफ को देखना चाहोगे। सो खैर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।